11 से 9। दूसरा इतिहास 2007 अध्याय 7 त्याचा 11 ते 16 11 से 16। अशा प्रकारे शर्मनाने मंदिराचे व आपल्या राजवाड्याचे बांधकाम पूर्ण केले। त्याने जी योजना आखली होती ती यशस्वीपणे पार पडली। एके रात्री देव शर्मनावर प्रकट झाला आणि म्हणाला, मी तुझ्या प्रार्थना ऐकल्या आहे, तू या मंदिरात मला अर्पणे अर्पावी अशी माझी इच्छा आहे। यासाठी मी हे मंदिर निवडले आहे। मी आकाश बंद करीन व पाऊस पाडणार नाही किंवा माझ्या आज्ञेने तुमच्या पिकावर मी टोळधाड किंवा तुमच्यामध्ये रोगराई पाडते। त्यावेळी माझी लोक नम्र होऊन प्रार्थना करतील, मला शोधतील व दुष्ट मार्ग सोडतील, तर मी त्यांचे म्हणणे स्वर्गातून ऐकेन आणि त्यांच्या पापांची क्षमा करेन आणि त्यांचा देश रोगमुक्त करेन। या ठिकाणावरून केलेल्या प्रत्येक प्रार्थनेकडे माझे डोळे आणि माझे कान लागते, कारण हे मंदिर माझ्या राहण्यासाठी मी निवडून शुद्ध केलेले आहे। माझे डोळे व माझे मन सदैव या ठिकाणी लागलेले आहे। यह सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूँ कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूँ या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्योकत्यो कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया और मैंने पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान द्वारा मंदिर बनाया, जेवा देवाने शर्मनाच्या द्वारा मंदिर बनवला, उस मंदिर का समर्पण किया, त्या मंदिराचं समर्पण केलं। उस समर्पण के बाद उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की आणि त्या समर्पणानंतर त्याने प्रार्थना केली। प्रार्थना के समय पे उसने ऐसा कहा की प्रभु तेरे नेत्र हमेशा इस मंदिर पर लगे रहे आणि प्रार्थनेच्या वेळेला तो म्हणाला की तुझे डोळे नेहमी या मंदिर पे लागले असे। हर प्रार्थना को तो सुनना, या मंदिरात केलेल्या प्रत्येक प्रार्थनेला परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, दर्शन उसके साथ बात किया, पुन्हा त्याच्याशी बोलला आणि उसने कहा, त्याला म्हटलं की आज से इस भवन को मैंने चुना, आजपासून मी या मंदिराला निवडलं, इस भवन में की गई हर प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा आणि या मंदिरात केलेल्या प्रत्येक प्रार्थनेचं मी उत्तर देईन। प्रार्थना की ओर मेरा कान रहेगा आणि प्रत्येक प्रार्थनेकडे माझे कान असेल, हर प्रार्थना सुनूंगा, प्रत्येक प्रार्थना ऐकेन। यहाँ देखते हैं कि तेरी सारी प्रार्थना तो मैंने सुनी आणि तुझी सर्व प्रार्थना मी ऐकली, तेरे द्वारा मैंने मंदिर क्यों बनवाया, आणि तुझ्या द्वारे मी मंदिर का बनवलं। क्यों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं परमेश्वर मंदिर क्यों बनवाया। आणि सगळ्यात पहिले मी सांगते देव मंदिर का, परमेश्वर सर्वव्यापी, देव सर्वव्यापी हर जगह प्रत्येक ठिकाणी, कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर ने, ऐसा कौन सा ठिकाना है जिते देव नहीं, आकाश में भी परमेश्वर, आकाश में ही देव, पृथ्वी पर भी परमेश्वर, पृथ्वी पर ही देव है। अगर आप अधोलोक में जाओगे वहाँ पर भी परमेश्वर, जरा अधोलोक का किधर तो नहीं नहीं देव, मत जाओ नका, लेकिन मैं बता रही बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं शांति कर बाइबल में दाविद कहता है, दाविद मैं आकाश में छोड़ू, मैं आकाश और चलो तब तू देता है, अधोलोक में जाओ, मैं अधोलोक का जाओ वहाँ पर भी तू है, तो मैं अधोलोक में अपना बिछाना बिछाऊ, मैं अधोलोक का मध्य अपना बिछाना कहाँ है, तब तू जाए, ऐसा कोई भी जगह नहीं, ऐसा कौन तो सही कहने कार में छुपू अरे अंधारा जपू तो तू वहाँ तब तू देता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं, अरे ऐसा कौन तो सही कहने जिधर देव नहीं है, परमेश्वर सर्वव्यापी, देव सर्वव्यापी है, इसीलिए हर जगह म्हणून तो प्रत्येक ठिकाणी आहे, हर जगह होने के बाद हम हर जगह प्रार्थना कर सकते आणि प्रत्येक ठिकाणी असल्यामुळे आपण प्रत्येक ठिकाणी प्रार्थना करू शकतो, हर जगह प्रत्येक ठिकाणी, परमेश्वर ने आपको परमिशन दी है, आप किधर भी प्रार्थना, देवाने तुम्हाला परवानगी दिली तुम्ही कुठेही प्रार्थना करू शकता, लेकिन साथ साथ सोबत परमेश्वर ने मंदिर भी बनवाया, देवाने मंदिर क्यों मंदिर बनवाया, हा मंदिर यहाँ लिखा है, इथे लिहिले तू या मंदिरात मला अर्पणे आणावी अर्पावी म्हणून मी हे मंदिर बांधले, अगर तू और तेरे लोग मेरे जो लोग हैं वो मेरे लिए क्या कर सके, मेरे लिए भेंट चढ़ाए मुझसे मिलने के लिए आए, इसीलिए मैंने मंदिर बनाया, अंतोने माझे लोक अर्पण घेऊन यावो मला भेटायला यावो त्याच्यासाठी मी हे मंदिर बनवलं, जो मोशेस के द्वारा निवास स्थान बनाया आणि जेव्हा मोशेच्या द्वारे निवास मंडप बनवला झाला आणि काय की तू निवास स्थान बना आणि ते दिले की तू निवास मंडप बना आणि मुझे मिलने के लिए लोकांनी मला भेटायला यावो। आपको समझा, तुम्हाला कळलं, परमेश्वर को हम मिलने के लिए यहाँ आए, आपण देवाला भेटायला इथे आहोत, इसीलिए परमेश्वर ने निवास स्थान बनाया आणि म्हणून देवाने निवास मंडप बनवला।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया जैसे जैसे बड़े पूरे के साथ देवा स्थान गया देवा स्थान और देवेश्वर ने मंदिर बनाने की योजना आता देवा ने मंदिर बनाने की योजना इसलिए इस मंदिर को क्यों बनाया और यहाँ मंदिर का बनाया कि लोग मुझे मिलने के लिए आए लोग मेरा बेटा ले आवा मुझसे मिलने के समय पर आते समय मुझे भेंट भी चढ़ानी है तो ना मतलब अर्पण ही चढ़ावा कि प्रभु की इच्छा है कि प्रभु की इच्छा नहीं बोल सकते कि सब कुछ तो परमेश्वर ही करा परमेश्वर मुझसे क्यों मांगता आने सर्व काही देवाचे मध्ये माझे म्हणून का मागतो अगर मंदिर नहीं बनाते ना मंदिर जो नस्त बनवा सब नहीं आते अपन सर्व नस्त वाले आते आलो असतो का अब एक दूसरे को जानते अपन एकमेक ओळखलं असतं दूसरे को पहचान एकमेक अपन ओळखलं असतं नहीं ना इसीलिए म्हणून परमेश्वर जो सारी सृष्टि का करता है सारी सृष्टि से वो हमको एकत्रित करके एक जगह में एकत्रित करके क्या करता है हमें एक दूसरे से भी पहचान कराता है आणि आपल्याला एकत्रित करून आपली एकमेकांची ओळख करून आणि हम मिलकर प्रभु से मिले आपण मिळून प्रभूला भेटावं प्रभु को भेट चढ़ा आणि प्रभूला अर्पण करून प्रभु ने मंदिर बनाया म्हणून प्रभु ने मंदिर बनवलं इस मंदिर में प्रभु क्या करता है या मंदिरात देव काय करतो हमारी हर प्रार्थना देव आपकी प्रत्येक प्रार्थना है प्रभु वहां पर ऐसा प्रभु कहता है कि तो देव असं म्हणतो इस जगह से की गई हर प्रार्थना मैं सुन लूं आणि मेरी आंखें लगी रहेगी या ठिकाणा केलेली प्रत्येक प्रार्थना मी ऐकीन माझे डोळे तिथे लागले जे असं म्हणून मी जो भी प्रिय ये सीयोन जो बनाया था जो सीयोन बनवलेला की परमेश्वर का मंदिर बनाया आणि देवाचं मंदिर बनवलेला तो परमेश्वर ने यही वचन दिया था आणि तेव्हा देवाने हेच वचन दिले भविष्यवाणी की गई आणि हेच भविष्यवाणी करण्यात आली होती मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं प्रार्थना करते प्रभु सुशीला जे आजार है तो काढून द्या ऐसे जो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रार्थना करते उनके घर में कर्ज में ठीक क्यों हो जाता है घर कर्ज मे का बरा होता क्योंकि मैंने ये जो मांगी थी सियोन जो है ये जो मांगी थी सियोन परमेश्वर ने ये मंदिर बनाया जो देवा ने मंदिर बनाया प्रभु ने वचन दिया था देवा ने वचन दिले इस मंदिर पर मेरी आंखें लगी रहेगी या मंदिर और माझे डोळे लागले और इस मंदिर में की गई हर प्रार्थना का आणि या मंदिरात गेल्या प्रत्येक प्रार्थना दुःखा तुम्ही मी अपना काम लगाऊ आणि मी उत्तर देईन कारण मी माझे काम लावले मी आम्ही दिलीला फोन लावला दीदीची प्रार्थना देवाने ऐकली और दीदी को हमने फोन लगाया दीदी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी मला काय दीदीची प्रार्थना देवाने काय ऐकली अगर दीदी की प्रेम मध्ये प्रभु प्रभु ने सुनी क्योंकि दीदी सीवन में तुम्हाला काय राहतो समझ में आया म्हणून प्रियान जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन सकता है आणि जर देव माझी प्रार्थना ऐकू शकतो या की नाही सुनेगा तुमची नाही ऐकणार वही प्रभु है ना तोच देव आहे कभी बदलता है कभी बदलतो कभी नहीं बदलता कभी नहीं बदलता वैदिक शास्त्र में लिखा है वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर अंत देव मन तो कि तो कभी न बदलनारा देव है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है आपला देव आपली प्रार्थना ऐकतो इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर आज आपसे मतलब आपको बताना चाहता है कि प्रभु हर संडे को या जब भी आप आते हो फ्राइडे को आते हो या बीच बीच में आते हो जब आप यहाँ आकर प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है जब तुम इतने वो प्रार्थना करता देवा देव तुमची प्रार्थना ऐसे मेरी ही नहीं फक्त माझीच नाही आप जब भी यहाँ आकर प्रार्थना करते तुम्ही जेव्हा इथे येऊन प्रार्थना करता प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता देव तुमची प्रार्थना ऐकतो लज्जित नाही करता तुम्हाला लज्जित नाही करता आप हर संडे को जो मांगते हो म्हणून तुम्ही हर रविवारी जे मागता प्रभु आपको जरूर देता देव तुम्हाला नक्की देतो आणि बाकी किसी किसी को थोड़ा लेट मिलता है क्योंकि वो समय उनका है आणि काही जणांना थोडा उशिरा भेटत कारण ती वेळ त्यांची आहे पवित्र शास्त्र में लिखा है हर बात का समय पवित्र शास्त्र दिले प्रत्येक गोष्टीची वेळ आकाश के नीचे आकाशाच्या खाली पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी वरती हर एक बात का समय प्रत्येक गोष्टीची वेळ आपका प्रार्थना का उत्तर भी मिलना उसके लिए भी एक समय प्रभु ने रखा आणि तुमच्या प्रार्थनेचा उत्तर भेटावा याच्यासाठी पण एक वेळ देवाने ठरवला आहे जसे किसी किसी लोगों को उस समय तक जो परमेश्वर ने चुना है तभी उत्तर मिलता है आणि जी वेळ देवाने ठेवले त्या वेळेला काही जणांना उत्तर मिळते की चंगाई तुरंत मिळते पण आरोग्य लगेच मिळते यहाँ लिखा है जसे इथे प्रभू कहता है त्यांचा देश मी रोगमुक्त करीन उनका देश मी रोगमुक्त करूंगा हमारा परमेश्वर हमारे बीच में से बीमारी को दूर करता है आपला देव आपल्या मधून आजार पण दूर करतो ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे बीच आणि असा आपला देव आपल्या मध्ये आहे ये मंदिर उसका आहे आणि मंदिर त्याचा घर उसने बनाया हे घर त्याने बनवले असे मनुष्य ने नाही आणि कोणी माझे प्रभु इसे चलाता है देवाला चालवतो इसे प्रभु यहाँ है पण देवी ते आहे आप जो प्रार्थना करते तुम्ही जे प्रार्थना करता आपले होठो से आपल्या ओठाने वो प्रभु सुनता आणि देव ते ऐकतो फरक इतना है फरक एवढाच आहे आपको बता दूं मी तुम्हाला सांगते आप बोलते ना की परमेश्वर दीदी की प्रार्थना सुनता है जल्दी सुनता है आणि देव दीदींची प्रार्थना लवकर ऐकतो तो मेरी प्रार्थना क्यों सुनता है मैं उसका उत्तर करता माझी प्रार्थना काय ऐकतो मी त्याचं उत्तर सांगते एक मैं प्रार्थना दिल से करते एक मी प्रार्थना हृदयाने करते मुझे जो भी फोन आते मला जे फोन येतात भले मी छोटी करू बड़ी करू लहान करू मोठी करू लेकिन जो मी प्रार्थना करते दिल से करते
अंजनी प्रार्थना करते हृदय में करते मुझे ये मालूम रहता है कि मैं किसी व्यक्ति से नहीं मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ जो मेरा पिता है और मैं यीशु से जो मांगूंगी यीशु के नाम से जो मांगूंगी मुझे मिलेगा आणि माझ्या पित्याकडे प्रार्थना करते मी जे यीशुकडे मागेन ते मला भेटेल मैं थोड़ा सा भी डाउट नहीं करता आणि मी थोड़ा ही संशय करत नाही मी यीशु से ते बरं झालं मला संशय नाही असं मला संशय नाही इसलिए प्रार्थना करते मी बोलते हा प्रभु सुशीला ताई यीशुच्या नावात तुम्ही बऱ्या झाल्या मी डिक्लेअर करते धन्यवाद मी चंगाई स्वीकार करते फिर मैंने पूछ ली वो खुद ही बोलती है जैसे तुम प्रार्थना के लिए ना भी बोली थी और आपने प्रार्थना करने के बाद में चंगी वाला तो बोलो बैठते अभी मुझे अच्छा लगता है क्यों तुम ही कहती है अनिका ने अच्छा लगे बोल दे क्योंकि जो मैं प्रार्थना करती हूँ ये ध्यान रख कर कि मैं स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करती हूँ अनि ये लक्षण क्यों थी मैं स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करती हूँ ये मुझे स्मरण है अनि ये मेरा आठवां दस्त है इसलिए देव माझी प्रार्थना एक तो मैं पूरे दिल से मेरा विश्वास है तू ये करेगा करेगा प्रभु माझा विश्वास माझा विश्वास है तू ये करशे प्रभु जरूर करे प्रभु नक्की करे कारण इसलिए हम यहाँ पर वेदी से आपको बोलते हैं आप प्रार्थना करो आणि वेदी वरून जेव्हा तुम्हाला सांगते तेव्हा तुम्ही प्रार्थना करा इसलिए आप कर रहे हो मन तुम्ही करता है इसलिए मत करो असं नका करो आप सचमुच इस घर में मेरा परमेश्वर है मेरा प्रभु यहाँ है मेरी प्रार्थना सुनता है और अभी मैं जो भी मांगूंगी मेरा प्रभु सुनेगा और मुझे देगा माझा देव इथे आणि आता मी जे काही त्याच्याकडे मागेन माझा देव ऐकून देईल हाँ ये अगर स्मरण रखकर आप प्रार्थना करोगे आणि हे आठवण ठेवून तुम्ही प्रार्थना केली तर भक्त देव तुम्हाला नक्की देईल हालेलुया हालेलुया ये घर किसका है आणि घर कोणाचं आहे प्रभूचं यहाँ कौन है इथे कोण आहे प्रभु है प्रभु है यीशु है ना यीशु है आप जो प्रार्थना करोगे तुम्हें जो प्रार्थना कराए वो हो जाएगा अंत्य हो ही आप जो बोलोगे तुम्हें जो बोला जो बोलोगे जो बोला वो ही होगा तेज हो ही विश्वास है विश्वास है विश्वास से करो प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करा बिना विश्वास से बिना विश्वास से संदेह मत करो अनि संशय करो ना भाई अशक्य कठिन है जमना है ऐसे विचार विश्वास करोगे तुम्हारे संकट से बोलोगे निकल के चला जाए तुम इतना संकट आला बोला निगुण जा तो चला जाए तो निगुण जाए गाढ़ है गाढ़ को बोलोगे निकल जाए अरे गाढ़ है गाढ़ का तुम बोला निगुण निकल जाए निगुण जाए पेट का दर्द है पोटा से दुखना है सिर का दर्द है अरे डोको दुखते छाती का दर्द है छाती से आप बोलोगे निकल जा तुम्हें बोला निगुण जाए ये जाए मालूम हुआ तुम्हारा कड़ा आपके अंदर विश्वास है आपने खुद बोला है तुम्हारा जो विश्वास है तुम्हें स्वतः मंडल यीशु यहाँ है यीशु इथे आहे और आपका विश्वास आपको भी अपने होठों से बोलना है और तुमचा विश्वास तुम्हाला आता तुमच्या ओठून बोलायचा आहे हालेलुया आपण सब लोग आपको बोलते हैं आपण सर्व जण आपले डोळे बंद करून जीवित परमेश्वर के भवन में जैसे हम आए हैं जसे आपण जीवंत देवाच्या मंदिरामध्ये आलेलो आहोत सब लोग प्रभु से प्रार्थना आपण सर्व जण प्रभु से प्रार्थना करा मेरी आंखें इस पवित्र भवन पर लगी रहेगी जसे प्रभु म्हणाला माझे डोळे या पवित्र मंदिराकडे लागलेले असतील कान लगे रहेंगे आणि कान लागले असतील इस भवन में की हुई हर प्रार्थना आणि मग या मंदिरात केलेली प्रत्येक प्रार्थना प्रभू सुनेगा देव ऐकेल प्रभू अभी यहाँ है प्रभू आता इथे आहे सब लोग प्रार्थना म्हणून आपण सर्वजण प्रार्थना करतो सर्वजण डोळे बंद करतो आणि जो इच्छा आहे आणि आपली इच्छा आहे या प्रभू से प्रभू कडे मागतो
यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं प्रभु, जैसे तूने वचन दिया कि इस पवित्र मंदिर पर, हाँ इस पवित्र भवन पर की गई हर एक प्रार्थना की ओर आपकी आंखें लगी रहेगी और आपके कान लगे रहेंगे। अभी इसी घड़ी तेरे पवित्र भवन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरे बच्चों ने जो जो प्रार्थना किया है प्रभु, हर एक प्रार्थना आपने सुना है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रभु आप उसका उत्तर भी तुरंत देते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने यहाँ बीमार है उनको चंगाई दे प्रभु, यीशु के घाव से लोग चंगे होंगे, यीशु के लहू बहाने से लोग चंगे होंगे, ये वचन यीशु के नाम में घोषित करती हूँ, इन सबके जीवन में छुटकारा घोषित करती प्रभु, इन्होंने जो मांगा प्रभु उनका मुंह भर दे प्रभु, इन्हें आशीषित कर, करुणा दया रखना, आंखों की बुद्धि के समान संभाल लेना, दृष्टि से हमेशा बचाए रखना। मेरा मौसी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कई रविता उनके पीठ में प्रभु कमर में जो गैप है प्रभु वो तो भर दे प्रभु, यीशु के घाव से वो चंगी हो गई है प्रभु, उस जगह पर प्रभु उस गैप में प्रभु पवित्र पिता हम तेरा लहू भर देते प्रभु, वो लहू भर कर चंगाई छुटकारा घोषित करते प्रभु। सीता मौसी के साथ साथ जितने जनों को गांठ है प्रभु, उन सारी गांठों को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते, सारी अशुद्धता को, मलिनता को, उस दुष्टाई को जो उनके शरीर में वास की है भिन्न भिन्न जगह पर, उन आत्माओं को निर्जन स्थान में निकल जाने की आज्ञा देते। ये शरीर यीशु मसीह ने दाम देकर खरीदी किया है, ये शरीर पर यीशु का अधिकार है, इसलिए गांठ के द्वारा अशुद्धता या दुष्टाई बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए हम यीशु नासरी के नाम से जितने जनों के शरीर पर गांठ आई है, क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक के शरीर से निकल जाने की आज्ञा देते। ये शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, इसलिए अभी इसी घड़ी यहाँ पर पवित्र पिता जितने जनों का शरीर यहाँ है ये सब पवित्र मंदिर है आपका, पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी आप इन्हीं के शरीर में आकर और पवित्र पिता इन सबको शुद्ध कीजिए, जहाँ पवित्र आत्मा है वह स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है, इन सबके शरीर में से सारी अशुद्धता से जो बंधे हुए उन सबके अंदर स्वतंत्रता आने के लिए मदद तेरा लहू लगाते, इन्हें आशीषित करना, जो प्रभु पवित्र पिता विवाह योग्य होंगे उनका विवाह होने के लिए सहायता करना, रक्षा करना प्रभु, इसी साल में उनका विवाह होने के लिए तो मदद करना, धन मान सम्मान से प्रभु इन सबको तू सुरक्षित आशीषित करना, और प्रभु जो पति पत्नी अलग रहते प्रभु वो मिलकर साथ में रहने के लिए सहायता करना, जिनको तुमने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे, ये आपका वचन है, इसलिए हर पति पत्नी जो अलग रहते हैं इनको अलग करने वाले जो जन है वही व्यक्ति इनको जोड़े, यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, धन्यवाद इन सबको तेरे नाम से आशीषित करती हूँ, यीशु नाम से के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसका बीपी नॉर्मल होने के लिए सहायता करना, यहाँ जितने लोग हैं सबका बीपी नॉर्मल होने के लिए तो मदद करना, शक्ति बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना, जितने जनों का जमीन बिक्री काम बाकी वो पूरा होने के लिए तो मदद करना प्रभु, दया रखना प्रभु, पवित्र पिता धन जो यहोवा की ओर से दी हुई आशीष है उसके साथ दुख नहीं देता, यहाँ आए हुए हर एक को तू धन विपुलता से दे प्रभु और लायक से दे प्रभु और किसी चीज की कमी और त्रुटि मत रखना, धन्यवाद देते तो इनका पिता इनका परमेश्वर इनका ढाल इनका कवच है, धन्यवाद देते तेरे नाम से मैंने आशीष यीशु के नाम से। आमीन।